हाय गाइज, मेरा नाम नितेश सिंह। आज मैं आपके लिए दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर लाया हूँ जो इस प्रकार हैं। पहला है यूज ऑफ डज नथिंग बट, डू नथिंग बट, एंड सेकंड है हमारा यूज ऑफ डज एवरीथिंग बट एंड डू नथिंग बट। इनका अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार यूज किया जाता है आज हम सीखेंगे और अपनी अंग्रेजी को और बेहतर बनाएंगे। तो गाइज चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला एग्जाम्पल हमारा है वह पढ़ने के सिवाय कुछ नहीं करता है। इसको हम बनाएंगे ही डज नथिंग बट स्टडी। इसका अर्थ है कि वह सिवाय स्टडी के कुछ नहीं करता, मतलब उसकी लाइफ में कुछ नहीं है सिवाय पढ़ने के। इसको दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राहुल खेलता ही रहता है, तो राहुल डज नथिंग बट प्ले। कहने का मतलब ये है, वह कहना चाह रहा है कि राहुल कुछ नहीं करता सिवाय खेलने के। राहुल कुछ नहीं करता है या राहुल खेलता ही रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मैं सोता ही रहता हूँ, अर्थात सोने के अलावा कुछ नहीं करता और कोई कार्य उसके जीवन में महत्व नहीं रखता। तो इसको हम इस प्रकार बोलेंगे आई डू नथिंग बट स्लीप। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा तुम्हारा बच्चा रोता ही रहता है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे योर चाइल्ड डज नथिंग बट क्राई, अर्थात तुम्हारा बच्चा सिवाय रोने के कुछ नहीं करता है। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर का उपयोग देखते हैं, यह इस प्रकार है वह हंसने के सिवाय सब कुछ करता है, अर्थात वह सब कुछ करता है लेकिन हंसता नहीं है। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे देखते हैं, ही डज एवरीथिंग बट लाफ। अंतिम एग्जाम्पल हमारा है मैं पढ़ने के सिवाय सब कुछ करता हूँ, आई डू एवरीथिंग बट स्टडी। वह कहना चाह रहा है कि सिवाय पढ़ने के वह सब कुछ करता है, वो हर कार्य करता है लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वह पढ़ाई नहीं करता है। आप कुछ भी हिंदी में समझ सकते हो। तो गाइज आज आप लोग समझ गए होंगे कि डज एवरीथिंग एंड डज नथिंग बट का उपयोग किस प्रकार हमें अंग्रेजी भाषा में करना है और इसको बोलना है। तो गाइज इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि आपको नए स्ट्रक्चर के साथ फिर बहुत ही जल्द मिलूँगा। तो गाइज बाय बाय।